हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और हमारी जो इंस्पिरेशनल सीरीज़ है, उस सीरीज़ में ये वीडियो सबसे खास वीडियो है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना। इस वीडियो से जो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी वो हमारी सारी वीडियो से सबसे ज़्यादा तगड़ी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरोज होमी कपाड़िया जी एक ऑफिस बॉय से मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य जस्टिस बनने की एक अद्भुत रोमांचक यात्रा। हमारे एसएच कपाड़िया जी बोलते हैं, आई कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, आई स्टार्टेड माई करियर एज अ फोर्थ क्लास एम्प्लॉई एंड द ओनली एसेट आई पोजेस इज द इंटीग्रिटी। ये शब्द है भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एस एच कपाड़िया जी के, जो उन्होंने खुद के बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी आर कृष्णा अय्यर जी को लिखे एक पत्र में लिखे थे। भारत के 38वें न्यायाधीश श्री कपाड़िया जी ने अपनी यात्रा, अपने जीवन की यात्रा एक ऑफिस असिस्टेंट बॉय की तरह शुरू की थी। उनकी जज बनने की एक अदम्य और ठोस दृढ़ पक्की इच्छा थी। एक निम्न एक मिडिल क्लास पारसी परिवार में जन्मे कपाड़िया जी के पिताजी एक क्लर्क थे और उनकी माताजी हाउसवाइफ थी। पढ़ाई का बोझ उन पर काफ़ी भारी था, इसलिए उन्होंने बहराम जी जीजी भाई एक लॉ फर्म में नौकरी करनी पड़ी उनको। किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह लड़का भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को भी सुशोभित कर सकता है। 27 साल की उम्र में सन 1974 में वह आयकर विभाग में एक काउंसिल बने। साल 1991 में बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्हें एक एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति मिली। 5 अगस्त 2003 को उन्हें हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और दिसंबर 2003 में उन्हें उच्चतम न्यायालय के जज की नियुक्ति मिली। 12 मई 2010 को उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधिपति के न्यायाधिपति की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई गई। न्यायमूर्ति श्री एस एच कपाड़िया जी ने खुद को हर प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा है और अनेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस दिए हैं। इस देश का जो न्याय प्रणाली का सिस्टम है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन और सुधार हमारे एस एच कपाड़िया जी ने सफलतम प्रयास से करे हैं।